हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज़ में मूंगफली के बारे में। जी हां दोस्तों, क्या डायबिटीज़ के मरीज मूंगफली खा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम आपको आज डिटेल में जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि मूंगफली का ब्लड शुगर पर क्या असर होता है। दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ की समस्या से पीड़ित जो लोग होते हैं उन्हें खानपान के दौरान इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किस चीज़ से उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा और किस चीज़ से नहीं। दोस्तों, अगर मूंगफली की बात करें तो आप समझिए कि इसकी संतुलित मात्रा सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है यानी लो कैटेगरी का होता है, इसलिए इसे किसी भी स्थिति में खाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब भी मूंगफली खाएं तो सीमित मात्रा में खाएं और सही तरीके से खाएं। इसी के बारे में आज हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों मूंगफली के पोषक तत्वों की, तो मैं आपको बताऊं कि मूंगफली एक अत्यधिक पोषक तत्वों से भरपूर फूड आइटम है जिसमें हेल्दी फैट है, प्रोटीन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन बी, नियासिन और फोलेट के साथ साथ विटामिन ई भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बात करें दोस्तों उस सवाल की जिसके बारे में ये वीडियो है कि डायबिटीज़ में मूंगफली खाएं या ना खाएं, तो आप समझिए कि डायबिटीज़ में सामान्य तौर पर कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स को खाने की सलाह दी जाती है और मूंगफली भी इसी में से एक है, क्योंकि मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो कैटेगरी में आता है। आप समझिए दोस्तों कि डायबिटीज़ की समस्या में मूंगफली का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। और आप समझिए दोस्तों कि मूंगफली में एक पोषक तत्व है जिसका नाम है मैग्नीज, ये कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के लिए मूंगफली को ज़्यादा फायदेमंद बनाता है, इसलिए आप इसे ज़रूर खाइए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 13 होता है और ये निश्चित रूप से लो कैटेगरी में आता है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप रोज़ाना सीमित मात्रा में ही मूंगफलियाँ खाएं, ये निश्चित रूप से आपको फ़ायदा करेंगी। फिर बात करें दोस्तों कैसे खानी है मूंगफली डायबिटीज़ में, तो आप समझिए कि डायबिटीज़ वाले केवल भुनी हुई मूंगफलियाँ ही खाएं, तली हुई मूंगफलियाँ जो मार्केट में आती हैं उन्हें बिल्कुल ना खाएं, उन्हें खाएंगे तो नुकसान हो सकता है। फिर बात करें दोस्तों कि डायबिटीज़ में रोज़ाना कितनी मूंगफलियाँ खाएं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप किसी भी स्थिति में 100 ग्राम से कम मूंगफलियाँ खाएं, और अगर इसके आपको पर्याप्त फायदे उठाने हैं तो 50 से 60 ग्राम से ज़्यादा मूंगफली ना खाएं। दोस्तों, अगर आप इससे ज़्यादा मूंगफली खाते हैं तो इसके फायदे के बजाय आपको नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं, आपकी ब्लड शुगर लेवल हाइक हो सकती है, बढ़ सकती है। फिर दोस्तों लास्ट में समझते हैं कि किन लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को इन्फेक्शन है स्किन का, यानी स्किन इन्फेक्शन वालों को मूंगफली खाने से बचना चाहिए। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं यानी गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें भी डॉक्टर की सलाह से ही मूंगफली खानी चाहिए। और एस्थमा या सांस के मरीजों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए या कम खाएं। और अगर आपको फेफड़ों से संबंधित कोई दिक्कत है दोस्तों, तो भी आप कहीं ना कहीं मूंगफली खाने से बचें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।